Hi everyone, this is Jay Minto, Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Hollywood. Swagat hai aap sabhi ka aaj ke session mein. So if I'm audible, visible, everything is okay, to mujhe batao aur hum apni class ko fir shuru karte hain, okay? If everything is fine, please let me know once. Everything okay, I suppose. Isn't it? Now do one thing, do share it with your friends once so that others can also join us in the session. Now, अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जो डिफरेंट रेट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उसे डिस्कस करेंगे. बिकॉज वी ऑल नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते भी रहते हैं, मैम ऐसा क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने से एकदम से सारे इफेक्ट होते हैं. तो मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगी, बट हाँ इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम समझ जाएं कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए क्यों जाते हैं. ओके, नाउ डू वन थिंग, शेयर इट वंस विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, एक एक बार अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में से आप लोग क्या करो, शेयर कर दो फटाफट. देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने एक न्यूज पढ़ी कि हमारे वहां पर जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं और एकदम से जो रेपो है इसको क्या किया गया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है. तो ऐसा क्या होगा कि रेपो जो है इसको बढ़ाने से जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो सब हमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसी पे अपन लोगों को अभी पूरा पूरा डिस्कशन करना होगा हमारा आज का. ओके, सो डू शेयर इट वंस विद योर फ्रेंड्स अगेन, आई विल से अपने अपने दोस्तों के साथ इसे तुम लोग एक एक बार शेयर कर दो, बिकॉज उससे तादाद हमारे सेशन की थोड़ी सी और बढ़ेगी. सी पीपल, जब मैं आपसे इसकी बात करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो जाता है पूरे टाइम में, देखो अगर हम लोग कभी भी देखते हैं अपने पूरे वहाँ अपने पूरी इकोनॉमी का सिनेरियो, तो ये आप लोग देख सकते होगे, है ना. यहाँ पर ये हमें RBI दिख रहा है, देन बैंक दिख रहे हैं और देन कस्टमर्स. ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है, सबसे ऊपर आपके RBI होता है, देन बैंक होता है, देन कस्टमर्स होता है. कभी भी अगर हम सोचते हैं कि हमारे वहाँ पे एकदम से प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि हर चीज का दाम एकदम से बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होता होगा. जैसे आपने देखा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, या आपने देखा कि शुगर के प्राइस बढ़ गए, या हमने देखा कि वीट का प्राइस बढ़ गया. तो अपने आप नहीं होता है कि इसका मन हो रहा है मैं बढ़ जाऊं, इसका मन हो रहा है मैं कम हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, इवेंचुअली इकोनॉमी में कुछ ऐसा हुआ रहता है कि ये सब बढ़ने और घटने लगता है. पर जो ये लगातार बढ़ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन. जो इसका एक इफेक्ट होता है अपने देश में कि एकदम से प्राइसेस लगती हैं बढ़ने, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं. अब इन्फ्लेशन किसी भी देश में एक पर्टिकुलर टारगेट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो ठीक है. जैसे भारत के लिए जो RBI ने बताया ये कहा है 4 ± 2%, अगर इस रेंज में अपने देश का इन्फ्लेशन है तब तो ठीक है. लेकिन अगर वो कभी भी इससे ज्यादा या इससे कम हो रहा है तो वो एक अलार्मिंग रेट होता है RBI के लिए, और RBI को इसे कंट्रोल करना होता है. अब RBI जो भी कंट्रोल करेगी वो हमेशा कैसे करेगी, बैंक्स पे लगाम कस के, और बैंक्स लगाम कसेंगी कस्टमर्स के ऊपर. ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हर बार. RBI पहुंचेगी बैंक्स तक, बैंक पहुंचेंगी कस्टमर तक, और पूरा जो भी RBI चाहते हैं चेंजेस, वो पूरे चेंजेस यहीं से शुरू होते हैं. ठीक है, अब इन तक पहुंचने के लिए RBI क्या करती है, अपने वहां पे इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए RBI का जो तरीका होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमिंग का. मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिससे RBI क्या करता है, जिससे जितनी भी प्राइस होती है अपने वहां पर उसे स्टेबलाइज करता है, प्राइस को स्टेबलाइज करता है. और प्राइस स्टेबलाइज कैसे करता है, कह सकते हो आप लोग लिक्विडिटी या अपने देश में जो कैश है उसके फ्लो को स्टेबल करके. सपोज अगर हम देख रहे हैं कि हमारे वहां पे हर चीज की कीमत बहुत बढ़ रही है, तो RBI का काम है उसे कम करना. अगर हमारे देश में किसी की डिमांड ही नहीं है, कीमत कम हो रही है, तो RBI का काम है उसे फ्लो में रखना. ये दो काम ये करता है हर बार. ठीक है, तो वही मैंने आपसे कहा 4 ± 2 मतलब हुआ 2 से 6%. अगर इससे ज्यादा या इससे कम होता है तो RBI का काम है इसे अपने रेंज में रखना. इसे अपने रेंज में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर होते हैं आपके 6 सदस्य. ठीक है, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके RBI से आते हैं, और बाकी के जो आपके 3 होते हैं ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. ठीक है, RBI के कौन कौन है अभी, पहले तो आपके जो भी RBI के गवर्नर है फिलहाल में शक्तिकांत दास जी हैं, वो इसके सदस्य होंगे. दूसरे MD पात्रा रहेंगे, और तीसरे आपके कौन है, राजीव रंजन जी. अभी राजीव रंजन जी का पिछले महीने में इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके प्रोफेसर जयंत वर्मा है, प्रोफेसर शशांक भिड़े हैं, और आशिमा गोयल, ये 3 लोग आपके गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया. तो ये टोटल आपके 6 मेंबर्स हो गए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के. इनकी जो बैठक होती है ये महीने में हर 2 महीने पे एक बार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी.
इसी को हम लोग कहते हैं बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि हर दो महीने पे एक बार इनकी बैठक होगी। इनकी बैठक होके ही डिसाइड होता है कि कैसे हम इसे इस रेंज में रख सकते हैं, अपने देश में प्राइस को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रोथ को कैसे ध्यान दे सकते हैं। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली ये लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं। ओके, अब थोड़ी बात हम लोग अगर करें कि अभी फिलहाल में क्या हुआ है। देखो फिलहाल का जो सिनेरियो है, किसी भी देश को आप देखोगे वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से भाग रहा है। यूरोप वगैरह में भी आप देख लो, यूएसए में देख लो, तो वहां पे भी क्या हो रही है, लगातार बैठक हो रही है, अपने अपने रेट्स को वो लोग बढ़ा रहे हैं जिससे वो लोग भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। हर एक देश में, ऐसा नहीं कि भारत में हो गया, आपने भारत में देखा महंगाई है, नहीं, सभी देशों के यही हाल है, भारत में भी है। चाहे किसी भी, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फिलहाल की हम बात करें तो जो मेन है वो रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है और जिसकी वजह से हर एक चीज का दाम बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन अगर हम लोग उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग उसे कंट्रोल करना चाहते हैं क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई बैठक अपना शुरू करेगी। ठीक है, तो फिलहाल में क्या हुआ और किस तरीके से हुआ ये मैं आपके साथ जरा डिस्कस करती हूँ। सी पूरी कहानी यहां से हमें समझनी होगी। देखो आपने एकदम से देखा होगा कि आरबीआई ने तमाम जो रेट्स हैं उनको चेंज कर दिया। मैंने रेट्स लगा रखे हैं, ये आपके रेट्स हैं रिक्वायर्ड, देखो ये सारे रेट्स हैं फिलहाल के। पॉलिसी रेपो रेट आपका 4.90% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.65 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.15, बैंक रेट 5.15, रेपो रेट आपका 3.35 है। ये फिलहाल के आपके आज के रेट्स हैं जिसमें आपकी डिसीजन ली गई है आरबीआई की। ठीक है, कैसे ये बनते हैं उस पर अगर हम लोग आए फटाफट। देखो कोई भी जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो बैंक को कभी भी अगर जरूरत होती है पैसों की तो बैंक कहाँ चला जाता है, बैंक चला जाता है, सॉरी कस्टमर को अगर पैसों की जरूरत होती है तो कस्टमर जाता है बैंक के पास। कस्टमर दो नीड से जाता है बैंक के पास। पहला होता है जब वो बैंक से क्या करता है, अपने डिपॉजिट देता है। ठीक है, डिपॉजिट रखने को देता है कि भैया हमारा पैसा तुम अपने पास सेफली रखो। दूसरा होता है जब वो उनसे लोन लेता है। तो ये दो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें बैंक सॉरी जिसमें कस्टमर बैंक के पास जाता है और अपने पैसों की लेन देन करता है। या तो अपने पैसे जमा करेगा या तो बैंक से पैसे लेगा। पैसे जमा किया तो डिपॉजिट, इस केस में जो भी बैंक होगा ये अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देता है। कह सकते हो बैंक ग्रांट्स इंटरेस्ट व्हेनेवर द डिपॉजिट्स आर मेड। लेकिन अगर लोन ले रहा है तो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। इस केस में क्या करता है, बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे कस्टमर के लिए बैंक है वैसे बैंक के लिए आरबीआई है। याद रखे रहना, जो हम लोग हमारे लिए बैंक है ना, हमारे समय समय पे काम आने के लिए, वैसे ही बैंक के लिए आपका आरबीआई होता है। तो अगर कभी बैंक को नीड है ना पैसों की तो बैंक कहाँ चला जाता है, बैंक चला जाता है आपका आरबीआई के पास। ठीक है, ये देखिए अब बैंक भी आरबीआई के पास जाके दोनों तरीके की डीलिंग कर सकता है। हो सकता है कि अपने डिपॉजिट दे, यानी कि कुछ पैसा दे, भाई हमारा पैसा रख लो। और दूसरा केस हो सकता है जब वो बैंक से क्या करे, सॉरी आरबीआई से लोन ले। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, या तो वो अपना डिपॉजिट करता है या तो वो इनसे लोन लेता है। कभी भी अगर ये लोन ले रहा है तो तीन अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ये लोन ले रहा है तो तीन अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। जैसे देखो, अगर तुम बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हो, अगर तुम बैंक से होम लोन ले रहे हो, या फिर अगर तुम बैंक से मान लो कोई पर्सनल लोन ले रहे हो, कोई भी लोन ले रहे हो, इस पे इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना बैंक। ठीक है, तो ये मान लो तुम्हें पढ़ना, तुमने एजुकेशन लोन ले लिया, तुम्हें अगर घर बनवाना है तुमने होम लोन ले लिया, तुम्हें अगर अपने कुछ पर्सनल खर्चे हैं तुमने पर्सनल लोन ले लिया, तो इस पे हमेशा एक चीज तो है कि हाँ हमेशा इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा है। इसी तरह अगर बैंक कभी भी लोन लेगा आरबीआई से तो उसकी जरूरत और कितने दिन के लिए लिया जा रहा है उसके हिसाब से आरबीआई भी बैंक के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम लोग फर्दर तीन तरीके से बताते हैं। पहला क्या कहते हैं, पहला होता है जिसे हम कहते हैं रेपो रेट, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एमएसएफ, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं बैंक रेट। ये तीन तरीके के रेट्स होते हैं जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक पे अगर बैंक ने लोन लिया है तो। तीसरा हम देख रहे हैं डिपॉजिट, अगर कभी भी बैंक अपना एक्सेस सरप्लस आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा तो आरबीआई को भी बैंक को इंटरेस्ट रेट वापस करना है। अगर आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है तो वो दो तरीके से दे सकता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट और दूसरा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो अब हमारी डिस्कशन होगी कि आखिर में ये सर्टेन रेट्स क्या हैं और इन्हें कब चार्ज किया जाता है। किसे हम कहेंगे रेपो रेट, किसे हम कहेंगे एमएसएफ, किसे हम कहेंगे बैंक रेट। ठीक है, क्योंकि ये हैं तो सब एक चीज तो हमें समझ आ रही है, ये तीन के तीन वो रेट्स हैं जो आरबीआई बैंकों पे लगाएगा अगर वो लोन लेंगे। इसके अलावा
रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई ऑफर करेगा बैंक को अगर वो अपने एक्सेस सरप्लस इन्हें देंगे। ये तो हमें इतनी अभी तक जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या होता है ये हमें समझना होगा। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेपो रेट पर। रेपो रेट देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम समझते चलते हैं। देखो कभी भी मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक अगर कभी भी आरबीआई से, कोई भी बैंक है जो कि आरबीआई से अगर लोन ले रहा है शॉर्ट टर्म का, देखो कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं, इट कैन बी 7 डेज, इट कैन बी 14 डेज, इट कैन बी 90 डेज एज वेल, हम लोग इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। इन जनरल जो रेट डिस्क्राइब होती हैं, जितने दिन के लिए दिया जाता है इसमें, वो या तो आपका 24 आवर्स हो जाता है, या तो 7 डेज होता है, या 14 डेज होता है। आरबीआई से लोन ले रहा है इस टर्म के लिए, तो आरबीआई उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लो जैसे एसबीआई है, एसबीआई ने आरबीआई से लोन ले लिया 100 करोड़ का, कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। तो आरबीआई कहेगा ऐसा है, जब तुम 14 दिन के बाद हमें पैसे वापस करोगे तो आपको हमें 100 के साथ में कुछ इंटरेस्ट के साथ में पैसे वापस करोगे, ठीक है। तो मान लो इन्होंने कहा कि तुम हमें 100 + 4.90 करोड़ वापस करोगे, तो इन्होंने कितना वापस किया, 104.90 करोड़। लिया कितना पैसा था 100, लेकिन इंटरेस्ट के साथ हो गया 4.90। अभी जो 4.90 एक्स्ट्रा है ना, यही रेपो रेट होता है। रेपो रेट की कुछ खास बातें क्या होती हैं, रेपो रेट के अंदर जो भी एलिजिबल कस्टमर होता है आरबीआई का, वो क्या कर सकता है, वो लोन ले सकता है। दूसरी खास बात, मिनिमम रेट क्या, मिनिमम कितना अमाउंट लिया जा सकता है रेपो के अंदर, तो जो मिनिमम अमाउंट होता है ये हो गया है 10 करोड़ तक का लोग लोन ले सकते हैं मिनिमम, और ये हमेशा 5 करोड़ की मल्टीपल में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कितना मैक्सिमम लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 1% ऑफ एनडीटीएल ले सकते हैं। अब एक बात सुनना, कभी भी अगर आप लोग लोन लोगे बैंक से, तो इस बात को हमेशा याद रखे रहिएगा कि आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल देना होता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी होती है। सिमिलरली अगर कभी भी कोई भी रेपो रेट पे लेता है लोन बैंक, या जो भी एलिजिबल कस्टमर है आरबीआई का, उन्हें भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी होती है। यानी ये हमेशा ही सिक्योरिटी के बेसिस पे दिया जाता है, विदाउट सिक्योरिटी रेपो रेट नहीं ऑफर करते हैं। तो ये तो हमने पहला समझा रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं कि रिवर्स रेपो, सॉरी पहले हम समझते हैं एमएसएफ क्या होता है, ओके सॉरी। देखो पहले हम समझ लें एमएसएफ क्या होता है, फिर हम लोग रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट पे एक साथ चलेंगे, ओके। देखो एमएसएफ की अगर मैं आपसे कभी भी बात करती हूँ कि ये होता क्या है, सी हियर, एमएसएफ भी बिल्कुल रेपो रेट की तरह ही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि एमएसएफ स्पेसिफिकली 24 आवर्स या ओवरनाइट बेसिस का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स का होता है। देखो बैंक्स का बिजनेस कंप्लीटली कैपिटल पे डिपेंडेंट है, तो सर्टेन ऐसे केसेस हैं कि बैंक के पास एकदम ड्राई अप हो जाती है, कैपिटल बचती ही नहीं है, उस केस में उन्हें जरूरत होती है ऐसी किसी विंडो की, और उसी को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर 2011 एमएसएफ वाज मेड। एमएसएफ के अंदर जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि क्या हमारे वहां पे जो जियो पेमेंट बैंक है, ये मुझे सेशन के एंड में आप लोग आंसर करना, क्या जियो पेमेंट बैंक लोन ले सकता है इसके अंदर, ये आप लोग मुझे बताना। खैर अभी अगर हम लोग आपसे बात करते हैं, तो एमएसएफ के अंदर हमेशा 24 आवर्स के लिए लोन दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, इसके अलावा ये लोन कभी किसी और को ऑफर नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी बैंक अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर लोन ले रहा है, उस केस में मिनिमम कितनी अमाउंट ले सकता है, मिनिमम अमाउंट ले सकता है ये 1 करोड़, और मैक्सिमम कितना ले सकता है, तो अभी हमने देखा रेपो में मैक्सिमम था 1% ऑफ एनडीटीएल, जबकि एमएसएफ के केस में जो मैक्सिमम होता है ये होता है 2% ऑफ एनडीटीएल। देखो जब एमएसएफ बीच में जब पैंडेमिक आया था, तो इसके लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 3%, लेकिन 1 जनवरी 2022 से वापस इसको 2% कर दिया गया। तो फिलहाल में कोई भी मैक्सिमम कितना लेगा, 2% ऑफ एनडीटीएल, इससे ज्यादा कोई भी लोन नहीं ले सकता है। रिमेंबर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 2% ऑफ एनडीटीएल, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स लेंगे,
ओवरनाइट बेसिस पे होगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, दैट इज 24 आवर। 24 आवर अगर हम समझें तो आप कह सकते हो 3 दिन, क्योंकि एक दिन में 8 ही वर्किंग आवर्स होते हैं, ये हमेशा वर्किंग आवर के दौरान ही ये सब कुछ प्रोसेस होता है। इसलिए अगर आपसे कोई कहता है 3 दिन तो सरप्राइज मत होना, वो आपसे वर्किंग डेज की बात कर रहा है, ठीक है। और एक वर्किंग डेज में आपके 8 आवर्स होते हैं, ये 24 आवर्स का होता है। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बैंक MSF के अंदर लोन ले रहा है तो उसे भी एक सिक्योरिटी रखनी होगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखकर ही वो लोन ले सकता है, उसके अलावा उसे लोन नहीं मिलेगा, याद रखे रहिएगा, ठीक है। खास बात इसमें ये होती है कि इसमें SLR वाली सिक्योरिटी यूज हो सकती है, ठीक है, उसे हम यूज कर सकते हैं, रेपो में नहीं कर सकते हैं। SLR एंड एवरीथिंग ये अभी अपन लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इसे हम लोग फर्दर बाद में कभी कर लेंगे, फिलहाल में नहीं करेंगे, ओके। अब चलो थोड़ी और बातें हम लोग साइमल्टेनियसली, रेपो क्या है हमने देख लिया, MSF क्या है, अब जरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमें और क्या देखना है। तो एक चीज तो आप लोगों को कि रेपो या MSF दोनों लोन्स हैं जो कि RBI ऑफर करता है बैंक्स को सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। अब जरा हम लोग रिवर्स रेपो रेट और SDF को भी देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या है, कोई भी बैंक, याद रखना कोई भी बैंक है, अगर उस बैंक के पास मान लो एक्सेस सरप्लस है, किसी भी बैंक के पास में एक्सेस सरप्लस है, कुछ पैसा बचा हुआ है और वो चाहता है इस पैसे को लोन पे नहीं देना, जैसे जब पैंडेमिक आया था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक जो भी बैंक्स थे वो अपने पैसे लोन पर नहीं देना चाहते थे, उन्हें ऐसा डर था कि अगर हम आज लोन पर देते हैं तो मे बी हमारे कस्टमर्स ये पैसे लोन लेके और डिफॉल्ट कर दें, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे किसी का भी बिजनेस रन नहीं कर रहा था सही से। तो उस टाइम पे बैंक्स के पास में जो एक्सेस सरप्लस था ये इसे ले जाके RBI के पास डिपॉजिट कर देते थे। जब RBI के पास डिपॉजिट करेंगे तो RBI क्या करेगा, इन्हें कुछ सरकारी सिक्योरिटी, देखो जब RBI लोन देता है तब भी सिक्योरिटी लेता है और जब पैसे लेता है तो उसके बदले में भी सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो जब RBI इनसे डिपॉजिट लेता था, इन्हें सरकारी सिक्योरिटी देता था और ये भी कहता था कि आज से 7, 14, 28 दिन के बाद जब आप वापस आओगे तो हम लोग आपको इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। सपोज कोई बैंक है जिसने 100 करोड़ रुपए एक्सेस सरप्लस रखे हैं RBI के पास, तो RBI ने पहले तो सरकारी सिक्योरिटी देगा इतने वर्थ की, और जब समय पूरा होने के बाद RBI इसे वापस करेगा उस बैंक को तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करके करेगा। सपोज ये 3.35 है तो 103.35 करोड़ RBI रिटर्न करता था, ये प्रोसीजर है। अब ये जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करके वापस कर रहा है ना 3.35, इसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसको क्या नाम दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट का, ठीक है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो RBI बैंक्स को पे करता है जब भी वो अपना एक्सेस सरप्लस पे कर रखती हैं RBI के पास में। कभी भी जब वो रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट के अंदर ले रहा है तो हमेशा उस केस में वो सिक्योरिटी भी ऑफर करता है बैंक्स को, यानी कुछ सिक्योरिटी देगा और उसके बदले में वो डिपॉजिट ले लेगा, फिर समय होने के बाद वो उन्हें इंटरेस्ट के साथ वो पूरा वापस कर देगा। ये खेला होता है हमारे किस चीज का, रिवर्स रेपो रेट का। अब देखो इसमें एक चीज थी कि हर बार RBI को सिक्योरिटी देना होता था तभी जा करके वो इसके अंदर, अभी देखा गया कि मान लो RBI उन सिक्योरिटी और पर्पस से यूज करना चाहता है और नहीं चाहता उससे फर्दर ऐसे देना, ठीक है। तो RBI ने कहा फिलहाल तो हालात देख रहे हैं अपने देश का या पूरे विश्व का, तमाम जो है तमाम जगह पर रेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो जरूरी है, क्योंकि देखो अगर बैंक के पास में पैसे बचेंगे, अगर बैंक के पास पैसे बचेंगे तो बैंक इस पैसे का क्या करेंगे, लोगों को लोन देंगे, जितना लोग लोन लेते जाएंगे उतना ही बैंक्स को फायदा होगा, क्योंकि इस लोन पे उन्हें क्या मिलता जाएगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो बैंक के पास पैसा छोड़ना फिलहाल में खतरनाक हो सकता था, तो RBI ने कहा कि अगर हम लोग बैंक से पैसे लेते हैं रिवर्स रेपो रेट के अंदर और जब ही मिलेंगे तब उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे तब तो थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग एक नया विंडो लेते हैं जिसमें हम लोग बैंक से पैसे लें, उन्हें इंटरेस्ट भी दें, पर इसमें हम लोग कोई सिक्योरिटी ना दें उन्हें। और ये नई विंडो लाने के लिए इन्होंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, देखो अब जैसे आप लोग यहां देख सकते हो कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2018 में सेक्शन 17 ऑफ RBI एक्ट इसे अमेंड किया गया और उस टाइम पर RBI को ये निर्देश दिया गया कि ये SDF को अब
इंट्रोड्यूस करें, क्या करें, एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करें। तो उसी के बाद से एसडीएफ का इंट्रोडक्शन हुआ है। फिलहाल में इसका यूजेस बहुत ही कायदे से किया जा रहा है। एसडीएफ वो फैसिलिटी होती है जिसपे जो भी बैंक होता है अगर ये कल को अपना एक्सेस सरप्लस देता है आरबीआई को, तो आरबीआई से ले लेगा, इस पे इंटरेस्ट भी पे करेगा, पर इसके बदले में कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो बेसिक फर्क है वो यही है कि रिवर्स रेपो रेट में कभी भी जब आरबीआई पैसे लेगा तो उस केस में हमेशा वो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर करेगा, लेकिन कभी भी अगर एसडीएफ के अंदर पैसे लेगा तो उन्हें कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इनका इंट्रोडक्शन 2018 में सेक्शन को अमेंड करके किया गया है ताकि अगर कोई ऐसी कभी सिचुएशन आती है उस टाइम पर इसका ज्यादा से ज्यादा यूजेस किया जा सके। ये हो गया हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखो जरा कुछ और बातें हम लोग इसके फैक्ट्स देख लें कि जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसको लाने का मेन पर्पज यही है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी 8.5 लाख करोड़ तक का है हमारी मार्केट में उसको कम किया जा सके। ये इनका मेन पर्पज है कि उसको किसी भी तरीके से हम लोग कह सके उसे कम कर सके। ठीक है, पैंडेमिक के दौरान लगातार मार्केट में पैसों को इंजेक्ट किया गया है, तो वो एक ऐसा टाइम था कि मार्केट में जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा पैसे पहुंच गए थे। ठीक है, अब उसे कंट्रोल करने के लिए फिलहाल में एसडीएफ का पूरा यूजेस किया जा रहा है कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपने एंड से जो है पैसे ले भी लेगा लेकिन किसी भी तरीके की कोई सी भी सिक्योरिटी नहीं ऑफर करेगा, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा ही है। तो ओवरऑल इन सबसे कैसे रेट्स कंट्रोल हो सकते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखो, कभी भी अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, बैंक्स जो है ये बहुत सस्ते रेट पर लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बैंक को भी तो लोन की जरूरत होती है ना। आरबीआई ने देखा कि बैंक्स के पास में पैसे ज्यादा हैं, इसे हमें कंट्रोल करना है, तो आरबीआई ने रेपो को बढ़ा दिया। जब रेपो रेट बढ़ाएगा, मैंने आपको क्या बताया, रेपो रेट और एमएसएफ ये दोनों वो रेट्स होते हैं जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये दोनों वो सुविधाएं हैं जिससे आरबीआई एक्सेस सरप्लस बैंक्स की लेता है। ठीक है, अब इनको बढ़ाकर कैसे अपना काम किया जाएगा, कभी भी अगर रेपो दर को बढ़ा दिया जाएगा तो जो भी बैंक लोन लेगा उसे ज्यादा इंटरेस्ट वापस करना होगा। अगर ज्यादा पैसे उसके इंटरेस्ट देने में चले जाएंगे तो बैंक के अपने पास के पैसे कम हो जाएंगे, बैंक के अपने पैसे कम होंगे तो वो कस्टमर्स को भी कम देगा पैसा, कस्टमर के पास कम पहुंचेगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, प्राइस डिक्रीज होगा। सिमिलरली यही काम होता है एमएसएफ का, ट्रिपल आर और एसडीएफ को बढ़ाया जाएगा ताकि बैंक्स खुश हो जाएं कि भाई अगर हम पैसे रखेंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर इनको बढ़ाया जाएगा तो बैंक्स खुश होकर अपने पैसे यहां पर रखने शुरू कर देंगे। इस तरीके से इन सभी को बढ़ाया जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर इन सभी को घटा दिया जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। ओके, सो आई सपोज तुम लोगों को ये चीजें अभी तक समझ आई होंगी। अब बहुत लोग पूछते हैं मैम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है। देखो भाई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाम से ही क्लियर है, लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, लिक्विडिटी की जो फैसिलिटी मार्केट में अवेलेबल है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर वो सभी चीजों को रखा जाता है जिससे आरबीआई लिक्विडिटी को मार्केट में कंट्रोल कर रहा है। किससे किससे कर रहा है, एक तो रेपो रेट हो गया, दूसरा हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट, तीसरा हो गया आपका एमएसएफ, और अभी फिलहाल में आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये चारों ही चीजें आपके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में होंगी। याद रखिए रो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो भी ऐसी चीज है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाएगा वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक पार्ट होता है। ठीक है, आई सपोज तुम लोगों को इतनी बातें सभी को समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा समझने हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज में हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल में ये सारी रेट्स हैं जो आज चेंज की गई हैं। रेपो रेट को जो है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। अब क्यों बढ़ाया गया होगा, क्योंकि मार्केट से पैसे निकालने हैं आरबीआई को, और पैसे तभी निकलेगा जब ये रेट बढ़ेगा। पहले 4.4 था, तो पहले अगर कोई बैंक रेपो रेट के अंदर लोन ले रहा था उस केस में उसे सिर्फ और सिर्फ 4.40% से वापस करना था, लेकिन अब उसे 4.9। तुम खुद सोचो, अगर होम लोन 6% पे है तब तुम लेना पसंद करोगे या 6.5% पे? तुम होम लोन तभी प्रेफर करोगे जब वो 6% पे होगा। सिमिलरली बैंक्स भी यही सोचते हैं कि भाई लोन लेना तब सही है जब ये रेट्स कम है। तो फिलहाल में इन सबको बढ़ा दिया गया है जिससे जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो मार्केट से निकाली जा सके। ठीक है, तो ये देख लो आप लोग,
रेपो रेट 4.90%, SDF 4.65, MSF 5.15, बैंक रेट 5.15 और फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35. ओके, एनीवे, सो आई होप तुम लोगों को सेशन सही लगा हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स जो हैं वो कुछ हद तक क्लियर भी हुए होंगे, इजंट इट? निकलेगा नहीं, एक दो बार देख लिया करो, समझ आ जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. चलो खैर, देखो भाई, ये अभी हम लोगों का मॉनसून सेल चल रहा है, जैसे आप देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 11th ऑफ जून तक ही अवेलेबल है. कब तक? 11th जून. तो इस टाइम पे अगर आप लोग बैंकिंग सुपर एलीट परचेज करते हो, बैंकिंग सुपर एलीट में आप लोगों को सारे टेस्ट और सारे कोर्सेज मिलते हैं अप्रोक्स. तो अगर आप लोग इसको लेते हो, 6 मंथ की वैलिडिटी में आपको 6+6 मंथ का मिल जाएगा, 12 मंथ की वैलिडिटी में 12+12, कोई भी लेता है फिलहाल में 11 जून तक, तो आपको एडिशनल वैलिडिटी 2 times के साथ मिलेगी. ठीक है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो, यू विल हैव टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, टारगेट बैच, जो आपका RRB के लिए है, PU और क्लर्क, बहुत ही सही से डिजाइंड है, ये आपका शुरू हो चुका है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा. साथ में हमारा फिट बैच है, तो फिट बैच भी बहुत सही बैच है, ये भी आपका RRB के लिए. यहाँ पे आपको फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, टॉपर, तीनों की ही गाइडेंस मिलने वाली है. ओके, तो ये भी आपका RRB स्पेसिफिक है, जो भी इंटरेस्टेड है वो इस बैच को परचेज कर सकता है. इसके अलावा अगर आप SBI की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका ये बैच है, ये भी आपका फिट बैच है जो SBI स्पेसिफिक है. कोई भी इंटरेस्टेड है, आप लोग अगर जनरल कोड लगाते हो तो आपको 40% ऑफ मिलेगा, बट इफ यू आर अप्लाइंग द कूपन कोड SUSHMITA तो इसमें आप लोगों का जो ऑफ होगा ये कितना हो जाएगा, 45%. ओके, चलो, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. विल मीट यू अगेन एट 10 PM. टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय. एंड मुझे जरूर बताइएगा कि क्या जियो पेमेंट बैंक MSF के अंदर लोन ले सकता है या नहीं. थैंक्स अगेन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय. जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू पीपल, लव यू, बाय बाय.